हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कौशल विद्या भवन इंग्लिश मीडियम सेम वन। टुडे वी विल लर्न स्टैंडर्ड टू सब्जेक्ट जनरल नॉलेज। उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट टू और टॉपिक है सेक्शन एट डायरेक्शंस एंड मैप्स। स्टूडेंट्स, यहाँ हमको एक छोटा सा चित्र दिया गया है जो कोई भी डायरेक्शन और मैप के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये किसके बारे में है। स्वीटी है वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट। स्वीटी है वो मार्केट से वापस आ रही थी, रिटर्न हो रही थी। अ डॉग बार्क्ड एट हर। और अचानक ही एक डॉग है, कुत्ता है, वहाँ आ जाता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है और उसके भौंकने के आवाज़ से इन फियर शी रन अवे एंड लॉस्ट हर वे होम। और उसके डर से, जो कुत्ता भौंक रहा था उसके डर से वो अपना घर का रास्ता भूल गई, क्योंकि वो दौड़ने लगी। उसको पता नहीं था कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, इसीलिए वो घर का रास्ता भूल गई। दिस इज़ द मैप ऑफ द लोकालिटी। ये जो यहाँ पर दिया गया है वो पूरा लोकेशन दिया गया है कि वो किस एरिया में रहती है, और उस एरिया का पूरा मैप यहाँ पर दिया गया है। Can you help Sweetie to find her way? आप क्या उसका जो घर का रास्ता खो गया है उसको ढूंढने में उसकी मदद करोगे? तो yes, हम करेंगे। Draw a line to help Sweetie reach her home. यहाँ पर हमें line draw करनी है, पर हम आपको एक वे बता देते हैं कि इसका रूट कौन सा हम लेंगे। दो रूट्स पढ़ते हैं, पर हम कोई भी रूट से जा सकते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि ये जो चित्र दिया गया है, पिक्चर है, उसमें स्वीटी कहाँ है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है ना कि स्वीटी इज हियर। देखो यहाँ पर जो स्वीटी है वो दिखाई दे रही है कि वो सेवन स्ट्रीट में है, सातवीं जो स्ट्रीट है उसमें वो पहुँच गई है। ओके, नियर चिल्ड्रंस पार्क, और चिल्ड्रंस पार्क के नियर में वो पहुंच गई है, क्योंकि उसका घर तो कहाँ है, स्वीटीज होम वो यहाँ पर है। सबसे पहले तो हम ये जो पिक्चर दिया है उस सब की डायरेक्शन देख लेते हैं, और डायरेक्शन देखने के लिए यहाँ पर हमें एक इंस्ट्रूमेंट दिया है, उसको कहते हैं होका यंत्र। ओके, मतलब कंपास। ये कंपास दिया गया है, उस कंपास में हमें फोर डायरेक्शन दिखाए गए है। जनरली हमें पता होता है कि अर्थ पर कितनी डायरेक्शन होती है, फोर डायरेक्शन में फर्स्ट इज एन मींस नॉर्थ, सेकंड इज ईस्ट मींस जो ई मींस ईस्ट, यहाँ पर लास्ट में देखो एस लिखा है, एस मींस साउथ, और यहाँ पर देखो डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू मींस वेस्ट। तो ये फोर डायरेक्शन है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से है। देखो ये जो प्लस है ना, हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ। यहाँ पर देखो एन लिखा है, यहाँ एन है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ओके, और उसके बाद ईस्ट कौन सी पड़ती है, तो यहाँ एक बिग मार्केट है ना बीच में, तो इधर है वह, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में बिग मार्केट है। ओके, और वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ पर, यहाँ फिफ्थ स्ट्रीट है, वो सब वेस्ट डायरेक्शन है, होम है स्वीटी का, वो भी कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है। ओके,
और नीचे वाली जो यहाँ पर स्कूल है, ये एक स्कूल है, तो स्कूल एस मतलब साउथ डायरेक्शन में है, ऊपर नीचे, और ये दोनों साइड हमें पता चल गया कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो ये फोर्थ डायरेक्शन हमें देखने के लिए मिल गई। अब हम पता करते हैं कि स्वीटी का घर उस जो लोकेशन है स्वीटी का उससे कितना दूर है, हमें रूट तय करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो कि स्वीटी को यहाँ से चल के सेवन स्ट्रीट्स में से चला के यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में मुड़ेंगे, साउथ। ओके, तो धीरे 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 हम इस साउथ डायरेक्शन में आ जाएंगे एट स्ट्रीट तक। ओके, अब कौन सी डायरेक्शन में मुड़ेंगे, वेस्ट। ओके, तो ये लाइब्रेरी से होके जाता है रास्ता, और ये वेस्ट डायरेक्शन है, और ट्विस्टेड लेन है, उसमें भी एक रास्ता निकलता है ट्विस्टेड लेन में, ये फिफ्थ स्ट्रीट में निकलता है। ओके, तो ये रास्ता है वो कहाँ जाता है, नीचे आइसक्रीम पार्लर में जाता है। तो ये रूट भी तय कर सकते, ये थोड़ा लंबा है पर यहाँ से सीधा निकल जाते हैं तो ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। इससे आगे मेन स्ट्रीट में जाना है तो ऊपर की ओर जाना है, तो मतलब कौन सी डायरेक्शन लेनी हमें, एन डायरेक्शन मतलब नॉर्थ में जाना है। ओके, अब नॉर्थ में जाएंगे और हम वेस्ट की तरफ मुड़ेंगे, तो ये हो गया स्वीटी का होम। ओके, तो बहुत आसान रूट है, और ये रूट हम मैप के जरिए सबसे अच्छे से पहचान सकते हैं। आपको पता है कि कभी भी अकेले हम कहीं भी खो जाते हैं, तो अगर हमें हमारी डायरेक्शन का पता होता है तो हमें पता होता है कि हमारा होम कौन सी डायरेक्शन में है और हम कौन सी डायरेक्शन में आ गए हैं, तो उस डायरेक्शन के ज़रिए हम अपने घर से घर तक पहुंच पाते हैं। ओके, आपको पता है कि कोई भी हवाई मार्ग होता है या फिर एरोप्लेन में जाते हैं तो वहाँ भी डायरेक्शन के लिए मैप के लिए ज़रूरत पड़ती है, फिर आप कोई दरियाई मार्ग से अपना परिवहन करते हैं तो भी आपको पता मतलब कि वहाँ भी आपको डायरेक्शन के मार्फत ही ढूंढना होता है रास्ता। तो ये मैप और डायरेक्शन है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमें इन फ्यूचर हम कभी कहीं भी जाते हैं तो हम इसके बिना कोई भी रास्ता ढूंढ नहीं पाते। ओके, कोई अलग सिटी में भी जाते हैं, अनजान सिटी में, तो भी हमें डायरेक्शन और मैप का मैप की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं, ये हॉस्पिटल नॉर्थ डायरेक्शन में, एक बिग मार्केट इस डायरेक्शन में, यहाँ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी सेंटर में है। ओके, सेंटर में है, और सेंटर के नीचे है स्कूल, स्कूल और एक कॉर्नर पर है जो साउथ डायरेक्शन में है, आइसक्रीम पार्लर और चिल्ड्रन पार्क है नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, तो ऊपर की मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये सब स्ट्रीट के नेम हमें याद रखने हैं, और हमें उसके बाद जो ब्लैंक्स दी गई है वो फिल करनी है। तो चलिए आगे, ये सब डायरेक्शन और मैप समझ में आ गया, ये पूरी लोकालिटी दी गई है वो मैप दिया गया है, और डायरेक्शन के जरिए हमें स्वीटी को उसके होम तक पहुंचाना है। ओके, पहले कहाँ जाना है एक बार फिर से रूट तय कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेवन स्ट्रीट, वहाँ से ईस्ट साउथ डायरेक्शन में जाना है सेकंड स्ट्रीट में। ओके, एट स्ट्रीट तक, ये एट स्ट्रीट है तो वहाँ तक साउथ डायरेक्शन, फिर से वेस्ट, फिर से नॉर्थ, फिर से वेस्ट, आ गया स्वीटी का होम। ओके, बहुत इजी है, आपको भी वीडियो पोस्ट करके इसको अपनी डायरेक्शन में लाइनिंग करके ले कर सकते हैं। आपको सिर्फ नेम मेंशन करने हैं कि भैया सेवन स्ट्रीट है, यहाँ पर स्वीटी है, यहाँ पर सेकंड स्ट्रीट है, एट स्ट्रीट है, ऐसे नेम मेंशन कर दें हैं एरो के ज़रिए, और फिर उसकी डायरेक्शन तक उसको हाउस तक पहुँचा देना है। ओके, बहुत ईजी है, आपको आ जाएगा। पर फर्स्ट ऑफ ऑल सबको आपको ये कंपास में जितनी भी डायरेक्शन दी गई है उसके नेम स्पेलिंग के साथ याद रखने हैं, जिससे हमें पहले डायरेक्शन कितनी है वो पता चले, उसके बाद ही हम मैप को फॉलो कर पाते हैं और रूट को ढूंढ पाते हैं। क्लियर? वेरी गुड। चलिए, यहाँ पर मैंने फोर्थ डायरेक्शन लिख दी है, और वो देखो
अब थोड़ा टेस्ट हो जाए इसके लिए हमें 4 ब्लैंक्स दी गई है, और ब्लैंक्स है उसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आंसर लिख दिए है, और फोर डायरेक्शन के नेम भी लिख दिए है। तो डायरेक्शंस है वो सब हमें याद रखनी है कि कितनी है, और स्पीटिका होम के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करने हैं। ओके, फर्स्ट फाइंड डायरेक्शन ऑन मैप एंड फील इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास देखा था आपने, एन ई एस और डब्ल्यू वाला जो मैंने कॉर्नर पे दिया था, आगे वाली जो स्लाइड होती थी उसमें। ओके, तो उसमें जो कंपास था उसके ज़रिए हमें सिटी के ये जो होम के रिलेटेड जो ब्लैंक्स है उसमें से हम ब्लैंक्स को फिल करना है और राइट आंसर लिखना है। फर्स्ट ब्लैंक, स्वीटी इज इन ब्लैंक्स डायरेक्शन फ्रॉम लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी सेंटर में थी आपको पता है, और सेंटर में लाइब्रेरी थी तो स्वीटी उससे कौन सी डायरेक्शन में थी। आपको पता है कि यहाँ पर लाइब्रेरी है और सिटी यहाँ पर कॉर्नर पर है, मीन्स वो ईस्ट डायरेक्शन में थी। कौन सी डायरेक्शन में थी? ईस्ट। ओके, चलो सेकंड, हर होम इज इन ब्लैंक्स डायरेक्शन फ्रॉम लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी सेंटर में है, उससे उसका होम अपोजिट डायरेक्शन में था, तो अगर ईस्ट है स्वीटी तो उसका अपोजिट वेस्ट होगा, मतलब यहाँ पर वेस्ट आ जाएगा। ओके, द स्कूल इज टूवर्ड्स ब्लैंक्स डायरेक्शन फ्रॉम स्वीटीज होम। अब आपको पता है कि स्कूल है वो साउथ डायरेक्शन में थी, तो उसके जो स्वीटी है उसके होम से वो कौन सी डायरेक्शन में थी? साउथ। ओके, तो स्कूल है वो साउथ डायरेक्शन में है। द आइसक्रीम पार्लर इज लोकेटेड इन द ब्लैंक्स डायरेक्शन फ्रॉम चिल्ड्रन पार्क। आपको पता है कि चिल्ड्रन पार्क कौन सी डायरेक्शन में था? जो स्वीटी जो जहाँ थी वहाँ उससे ऊपर ही उसका जो डायरेक्शन थी वहाँ पर था, मतलब कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में था। ओके, आइसक्रीम पार्लर उसके अपोजिट डायरेक्शन में साउथ में था, और चिल्ड्रन पार्क नॉर्थ डायरेक्शन में था। तो क्लियर सब? सारे के सारे जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन है उसके नेम यहाँ पर लिख दिए, उसके स्पेलिंग भी आपको लर्न करनी है, और ए ब्लैंक्स भी लर्न करनी है। ओके, क्लियर? और आप खुद भी कहीं भी जाए तो कौन सी डायरेक्शन किधर है वो क्वेश्चन आपको क्लियर करना है अपने माइंड में। वेरी गुड, थैंक यू।